नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। इस समय मैं खड़ा हूँ दशाश्वमेघ घाट पे और कल रात को काफ़ी बारिश हुई है। चलिए कॉरिडोर की तरफ चलते हैं और दिखाते हैं कि वहाँ क्या नज़ारे हैं। दोस्तों, इससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आया तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। आप मुझे सुपर थैंक्स के द्वारा भी सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और दिखाते हैं कि कॉरिडोर में क्या नज़ारे हैं। ये देख रहे हैं गंगा का जल स्तर काफ़ी बढ़ गया है। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और दृश्य आपको मैं पहुंचाऊंगा कि किस प्रकार गंगा में जल स्तर बढ़ने पर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के घाट का क्या नज़ारा है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए कॉरिडोर की तरफ चलते हुए आपको दृश्य मैं दिखा रहा हूँ। ये देख रहे हैं घाट की सीढ़ियों पर काफी नीचे तक पानी आ गया है। काफी घाट की सीढ़ियाँ डूब चुकी हैं। सामने आप कॉरिडोर का भाग देख रहे हैं। और इधर सामने आप गंगा नदी का फैलाव देख रहे हैं। धीरे धीरे काफ़ी बढ़ रही है गंगा नदी। ये देख रहे हैं काफ़ी ऊपर तक के गंगा का जल स्तर सीढ़ियों तक आ गया है। और ये रैंप आप देख रहे हैं, रैंप आपको बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। पूरा गंगा के जल स्तर में यह डूबा हुआ दिख रहा है। सामने आप जो देख रहे हैं जहाँ पर जलकुंभी दिखाई दे रही है नदी में, वहाँ पर पहले आपको रैंप दिखाई देता था, अब वो पूरी तरीके से डूब चुका है। ये देख पा रहे हैं आप ललिता घाट। और ये सामने कॉरिडोर की तरफ का रैंप। और ये देख पा रहे हैं आप ललिता घाट के ऊपर का दृश्य और नीचे सीढ़ियों के पास काफ़ी ऊपर तक के जल स्तर बढ़ गया है। और जहाँ पहले सीढ़ियाँ दिखाई देती थी आज वहाँ पर पूरा गंगा जल आपको दिखाई दे रहा है। ये नाव भी आप देख सकते हैं ये कहाँ तक आ गया है। ये देख रहे हैं नाव पूरा जहाँ पर घाट की टाइल्स लगी हुई है वहाँ पर नाव ये लगा हुआ है। यानी कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जल स्तर कहाँ तक बढ़ चुका है। और ये आप देख रहे हैं सामने ये रैंप का मुख्य रास्ता है जहाँ पर बैरिकेड्स लगा हुआ है बांस का, वहाँ तक ये पूरी नाव आ जा रही है उसके आगे तक। ये देख रहे हैं पूरा रैंप के पास का दृश्य दिखा रहा हूं आपको मैं। चलिए आगे चलते हैं।
और ये ललिता घाट के ऊपर का दृश्य आप देख रहे हैं। यहाँ भी अभी पुताई का काम अभी फिर से चालू हो गया है। ये चौकोर छतरी ये देख रहे हैं, पूरा बिजली के बड़े बड़े जो पोल्स लगे थे वो भी पानी में आपको डूबा हुआ दिख रहा होगा। सामने मणिकर्णिका घाट, जहाँ पहले सीढ़ियाँ हुआ करती थी वहाँ पर लोग स्नान कर रहे हैं। इस समय काफी गंगा का जल स्तर बढ़ा हुआ है, जहाँ कभी सीढ़ियाँ दिखाई देती थी अब वहाँ पर गंगा जल नजर आ रहा है आपको। चलिए आगे बढ़ते हुए दिखाते हैं नज़ारा। देख रहे हैं पूरा पोल्स डूब चुका है, जबकि वहाँ आपको सीढ़ियाँ दिखाई देती थी उसके नीचे भी। इधर आप देख रहे हैं मणिकर्णिका घाट की तरफ जाने वाली पूरी सीढ़ियाँ डूबी हुई है। ये देख पा रहे हैं आप रैंप के ठीक सामने पूरा पानी आ गया है। ये आप रैंप देख रहे हैं सामने और ये आप मणिकर्णिका घाट की सीढ़ियाँ। देख पा रहे हैं घाट की पूरी सीढ़ियां डूब चुकी हैं। इधर से आप स्पष्ट देख पा रहे होंगे कि जल स्तर कितना बढ़ा हुआ है। ये मणिकर्णिका घाट का दृश्य है सामने, बिरला निवास, यात्री निवास। और ये जल स्तर आप देख रहे हैं कहाँ तक पहुंच गया है घाट के पास।
और ये रैंप का भाग देख रहे हैं, इस सामने रैंप, रैंप के अंदर तक पानी घुस गया है। ये देख रहे हैं पूरा रैंप के पास अंदर तक गंगा इस का पानी चला गया है। और ये आप रैंप देख रहे हैं, और ये सीढ़ियाँ, चलिए सीढ़ियाँ से ऊपर चलते हैं कॉरिडोर के अंदर। कॉरिडोर की तरफ चलते हैं और अंदर का दृश्य दिखाते हैं आपको। रात भर बारिश हुआ है वाराणसी में, जिसके कारण गंगा का जल स्तर भी बढ़ा हुआ है। और कॉरिडोर के अंदर का दृश्य आपको दिखाते हैं कि वहाँ क्या नज़ारे हैं। वीडियो में अंत तक के बने रहिएगा। उसके पहले रैंप के अंदर चलकर दिखाते हैं। ये आप देख रहे हैं रैंप के अंदर का दृश्य। रैंप की खिड़कियों से, गैलरी से हम आपको दिखाते हैं बाहर का नज़ारा। आपको ऊपर से समझ में आएगा वीडियो में देखने पर। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं कि गंगा का जल स्तर कहां तक मणिकर्णिका घाट के सामने आ गया है। ये ऊपर देख रहे हैं रैंप का दृश्य। ये गंगा व्यू गैलरी रैंप के ऊपर से आपको मैं नीचे का घाट की सीढ़ियों का दृश्य दिखा रहा हूँ, जहाँ पर गंगा का जल स्तर कहाँ तक आया हुआ है। चलिए अंदर से आपको दिखाते हैं कॉरिडोर के अंदर। ये हम आ गए हैं ललिता घाट के ऊपर स्थित महल के पास, और वहां से आपको ये दृश्य मैं दिखा रहा हूं। देख पा रहे हैं यहाँ भी अभी पुताई का काम चल रहा है। और ये नीचे आप घाट की सीढ़ियाँ देख रहे हैं।
चलिए ऊपर चलते हैं गैलरी से कॉरिडोर की तरफ। ये आप देख रहे हैं गणेश जी की प्रतिमा। ये हम आ गए हैं गेट नंबर 1 की तरफ। और यहाँ का आप दृश्य देख रहे हैं। चलिए काशी विश्वनाथ मंदिर का स्वर्ण शिखर का आपको दर्शन करा देते हैं। ये देख पा रहे हैं आप काशी विश्वनाथ मंदिर का स्वर्ण शिखर। गेट नंबर 1 के सामने श्रद्धालु लगातार मंदिर परिसर में आते हुए बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए। ये देख रहे हैं गंगा द्वार सामने। चलिए बाहर निकलते हैं गंगा द्वार से। देखिए ये औरत श्रद्धालु गिर गई थी यहाँ पर फिसल के, उनको अच्छा हुआ ज़्यादा चोट नहीं लगा। आदि शंकराचार्य जी की प्रतिमा। अभी काफ़ी टाइल्सों में छटकन हो गया है पहली बारिश में। विदेशी श्रद्धालु भी आते हुए कॉरिडोर में। पूरा वीडियो कंप्लीट आएगा आपका। महादेव महादेव शंभु हर हर गंगे वीडियो हर हर गंगे खुद बोलो हर गंगे हर हर गंगे काशी विश्वनाथ भगवान। श्रद्धालु बाबा भोले की जयकार करते हुए हर हर गंगे। दोस्तों जितने भी श्रद्धालु हैं और वीडियो अगर देख रहे होंगे, अगर वो बनारस कभी आए बारिश के समय में, तो वो इन सीढ़ियों पर और कॉरिडोर के अंदर थोड़ा संभाल के चलें। कालीन बिछा होगा उस पर चलें दरी पर, क्योंकि काफ़ी तेज़ी से स्लिप होता है और स्लिप होने पर बहुत ही परिस्थिति बुरी हो सकती है। चलिए इसी के साथ वीडियो को यहीं पर विराम करते हैं। अगली वीडियो में फिर से नए अपडेट के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। हर हर महादेव।